किसी ने क्या खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े तिरछे पेड़ होते हैं वो सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। वो दूर से देखता है कि एक शेर एक हिरन का शिकार कर रहा था। उस बच्चे के मन में ये दृश्य देखकर एक करुणा का भाव उदय होता है। वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, ये हिरण तो कमजोर है और वो शेर उसको खा रहा है, हमें उस हिरण को बचाना चाहिए। ये सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वो शेर भी तो भूखा है, अगर तुम हिरण को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे, तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? अब ये बात हम सबके लिए सोचने की है कि एक जगह जहां हम किसी का फायदा कर रहे होते हैं, दूसरी जगह किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल ये है कि किसी आदमी को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वो किस तरह का काम करे जो किसी को आहत ना पहुंचाए। तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है और कर्म अच्छे कर्म क्या होते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी, मतलब गुरुकुल में बच्चे सीखने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ऐसे ही वेणुवन गांव का मोहन नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही उस गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद बहुत सालों तक वो अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहां पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत ये सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। ये ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। इसीलिए जब वो वापस गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके आया तो वो अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी युवक उससे कोई काम करने के लिए कहता तो वो मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि वो तो फायदा उठाने के लिए है, उसके तो मजे लो, उसका लाभ उठाओ जितना हो सके। वो किसी के काम को मना नहीं करता, वो दूसरों का काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। ये सुनने के बाद मोहन के कानों में खून उतर आया। वो निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? ये सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की मदद नहीं करता था। चाहे कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का ये बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी बन गया। ये देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है, तुम इतना क्यों बदल गए हो? तो मोहन ने कहा, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता, ये बात मैं महसूस कर चुका हूं। मैंने जीवन में जितनी भी गुरुकुल से शिक्षाएं ग्रहण की, वो सारी शिक्षाएं बेकार चली गई, वो व्यर्थ हो गई, क्योंकि ये संसार किसी का नहीं है। यहां सच्चे दिल से कोई किसी की मदद करते उसको उसको बेवकूफ समझा जाता है। और ये कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा। और इसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन चाहते थे, वो वही मोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन ब दिन हालत और भी गंभीर होती गई। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है और वो मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है। इसीलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं। जब वो उस गांव में घुसते हैं तो एक औरत एक बौद्ध भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी। वो उसको कह रही थी कि इनको शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, सुबह सुबह अपना काम तो नहीं करते, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें। लेकिन बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए वो बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था, उसमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। और जब उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वो दूसरे घरों की तरफ निकल गया।
ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता कुछ गांव के लोगों से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वो देखते हैं कि ये वही भिक्षु था जो गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट आया था, जो गांव में भिक्षा मांग रहा था और जिसे वो औरत जली कटी सुना रही थी। उसे देखने के बाद मोहन और उसके माता पिता ने उसे प्रणाम किया और वो वहीं पर बैठ गए। उसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थिति उसे बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि ये हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब ये किसी की मदद नहीं करता। कोई इसके सामने मर भी रहा होता है तब भी ये बिल्कुल उसे पानी भी नहीं पिलाता, ऐसा स्वभाव हो गया है इसका। हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि ये बदलाव अचानक से हुआ कैसे। इससे पहले कि वो बौद्ध भिक्षु को जवाब देता, वो औरत जो गांव में उस भिक्षु को जली कटी सुना रही थी, वो अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक से इसे बुखार आया और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु तुरंत उस बच्चे का उपचार करने में लग जाता है और कुछ ही देर बाद औषधियां देने के बाद वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये सब देखकर वो औरत उसे कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस लौट जाती है। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वो इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी, शायद आपने उसे पहचाना नहीं, नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु मोहन को बताता है कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई, इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है, लेकिन मैंने बिना कोई द्वेष का भाव रखे हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, बिना किसी द्वेष के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वो इंसान भी मेरी मदद करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वो हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो, और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल को अगर वो इंसान तुम्हारे साथ पूरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया और ये मेरे साथ अब ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसीलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम आहत ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच में तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वो पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि तुम भाई औरत को क्यों पीट रहे हो, तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वो ये कह सकती है कि ये हमारी आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए दूसरे के फटे में कभी टांग मत अड़ाना। अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए, कोई तुमसे मदद मांगे, तो दरबारियों तक खबर पहुंचा दो, अदालत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोलकर देखो कि किसे वास्तविक रूप से मदद की जरूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पे, कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उसमें दो स्थितियां पैदा होती है, अगर आप उनको भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर भीख नहीं देते हो तो वो बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसीलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसको पैसे देने की बजाय खाना खिला सकते हो या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत जरूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात जो समझने की है कि किसी की भलाई करनी है तो खुद की भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद जीवंत हो गए, अगर तुम खुद बदल गए, तो पूरा जमाना अपने आप ही बदल जाएगा।
इसीलिए कहीं आपने अपने मन में ये भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूं और मैं दूसरों की मदद करता हूं, तो वो तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता, और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वो धोखे में है। इसीलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दे, और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ हैं, सब में उपस्थित हैं, लेकिन अंदर से आप एकांत हैं, अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा चालू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान को एक हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर के एकांत के समान आनंद इस दुनिया के किसी भोग में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उस नदी के बहाव से कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है, उसमें कोई दरार कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहने से उसी तरह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है, वो करुणा जो किसी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी हुई। इसीलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंतर यात्रा चालू कर दें, अपने जीवन के आनंद को पहचाने, क्योंकि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी होती है, पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए। तो जीवन के जो पल बचे हैं उन्हें उस परमानंद में बिताओ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।